हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपनी 5 मिनट से बनने वाली चाट मसाला की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून जीरा लिया है, जिसको मैं मीडियम फ्लेम पर तवे पर फ्राई कर रही हूँ। इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इसको तवे पर ही छोड़ दीजिए। तवे पर छोड़ने से ये क्रिस्प हो जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं, गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब ये क्रिस्प हो जाएगा। इसको तवे पर ही रहने दीजिए। थोड़ी देर बाद इसको चकले पर आप ट्रांसफ़र करिए, फिर ये पीसने में बहुत क्रिस्प रहेगा और ईज़िली पीस जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने चकले पर इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसको बेलन से हम इसको क्रश कर रहे हैं। ये बहुत ईज़िली क्रश हो जाएगा कुछ ही देर में। इस मसाले को रेडी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन बनता बहुत टेस्टी है। प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा। तो इस तरह से मैं इसको क्रश कर रही हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें क्रश करने में। यहाँ आप देख सकते हैं, ये जीरा पाउडर है, ये 1 टेबल स्पून है जो मैंने अभी तवे पर फ्राई करके पीसा है। ये 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने काला नमक लिया है। उसके बाद 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर ये धनिया पाउडर लिया है। ये काली मिर्च है जो मैंने अभी क्रश करके रखी है यहाँ पर। ये 5 to 7 काली मिर्च है। ये 1 पिंच यहाँ पे हींग का लिया है। एंड ये चाट मसाला है, ये 1 टीस्पून है। और ये 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे लाल मिर्च ली है। अब इन सबको हम मिक्स करेंगे। ये मिक्स करके देखिए ऐसा दिख रहा है। इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, और इसको आप टाइट कंटेनर में बंद करके काफी टाइम के लिए रख सकते हैं। जैसे दही बल्ला चाट होता है, जैसे टिक्की होती है, या सैलेड होता है, आप किसी में भी, या पापड़ी चाट पर इसको छिड़क के खाइए। और केवल नमक डलेगा बस, और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और इसका इतना बढ़िया टेस्ट आएगा कि आप खुद ही बताएंगे। प्लीज आप इसको जरूर बनाइए, और मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय।